असलम डियर स्टूडेंट्स आई एम योर इंस्ट्रक्टर सैयद अमारिया आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होमियोस्टेसिस में थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन सो टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम हाइपोथैलेमस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन अब जैसे हमें पता है कि हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं फॉर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन सो हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये फॉर ब्रेन का पार्ट होगा जो कि हमें डायग्राम में भी शो हो रहा है हाइपोथैलेमस इज क्वाइट स्मॉल ओनली अबाउट द साइज ऑफ एन आमेंड सो इसका साइज इतना छोटा होता है जितना एक बादाम और ये हमारी बॉडी में इतने बेशुमार काम करता है जिसमें से हम कुछ जो इनके इसके काम है कुछ इसके फंक्शन है इसकी हम समरी भी देखेंगे सो हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली इज कंसिडर्ड टू बी अ लिंक स्ट्रक्चर बिटवीन दी नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम हमारा जो हाइपोथेलोमस है ये बेसिकली हमारे ब्रेन को लिंक करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से विच इज़ आवर हार्मोनल सिस्टम और इसको इनशाला हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेवनटीन में और इसके मेन फंक्शन देखते हैं वैसे तो हाइपोथेलोमस के बहुत से फंक्शन है लेकिन हम टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके दो मेन फंक्शन देखेंगे इट्स मेन फंक्शन बींग्स टू मेनटेन दी होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेनटेन करता है और होम्योस्टेसिस में बेसिकली तीन टर्म्स आती हैं ऑस्मो रेगुलेशन थर्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो थर्मो रेगुलेशन से है और साथ साथ हम देखते हैं जी कि हाइपोथैलेमस uh, जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इनको जो ओवरऑल कंट्रोल करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सो so, हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो हमारा हाइपोथैलेमस कहलाता है सो प्रीवियस स्लाइड में हमने जिक्र किया था जी हाइपोथैलेमस की लोकेशन के बारे में हाइपोथैलेमस के मेन फंक्शंस के बारे में अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं जी थर्मोस्टैट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस का फंक्शन देख रहे हैं एज अ थर्मोस्टैट थर्मोस्टैट क्या होता है थर्मोस्टैट इज अ डिवाइस डेट ऑटोमेटिकली रेगुलेट टेम्परेचर यानी एक ऐसा आला जो कि टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है सो so यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वो एक थर्मोस्टैट के तौर पर काम कर रहा है और साथ साथ हम देखेंगे जी फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन यानी हम फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं फीडबैक कहते हैं जी बेसिकली रिस्पॉन्स को और यहाँ पर हम फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे हमारी बॉडी का इन थर्मो रेगुलेशन और इसकी अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल समझें फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेजिन करें कि बाहर जो है इन्वायरमेंट में टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और आहता आहिस्ता हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज हो रहा है सो इन दैट केस हमारी बॉडी में जो जो एक मैकेनिज्म होगा विच इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म इज़ अ रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म वो क्या करें? करेगा वो हमारी बॉडी में कूलिंग मैकेनिज्म को जनरेट करेगा यानी बाहर अगर टेम्परेचर ज्यादा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज हो रहा है तो हमारी बॉडी में कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो ऑन किया जाएगा इन रिस्पॉन्स टू द इन रिस्पॉन्स टू द हीट इन रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग हीट और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो कूलिंग मैकानिजम होगा वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना शुरू कर देगा सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फीडबैक यानी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट किया जाता है जो भी चेंज आता है इन द इन्वायरमेंट उसको स्टूमुलस कहेंगे उसके केस में उसके उसकी वजह से हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स जनरेट करेगी डैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द फीडबैक और चूंकि ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये नेगेटिव फीडबैक के तौर पे माना जाएगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है और इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर कम कर रही है सो दिस इज़ द नेगेटिव फीडबैक सो थर्मो रेगुलेशन जो होती है इज़ एन इंपॉर्टेंट नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स इन मेन्टेनिंग दी होम्योस्टिस और इसी तरह नेगेटिव फीडबैक की वजह से ही हमारी जो बॉडी है वो होम्योस्टेसिस को मेनटेन करती है सेम यही एग्जाम्पल हम इंक्लूड कर सकते हैं इन द को टेम्परेचर कि अगर जो है ठंड जो है वो हो रही है और कोल्ड टेम्परेचर जो है वो हो रहा है तो इसके रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी मेकेट करेगी मेकेगी फीडबैक वार्मिंग मैके करेगी जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होगा सो so, अगर एक जगह पर एक चीज कम हो रही है और उसके ऑपोजिट काम हो रहा है यानी टेम्परेचर लो के केस में हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रही है अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है सो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक और इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे एक डायग्राम की मदद मतलब से सो so, अब हम थर्मोस्टार्ट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इन ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन समझेंगे एक एक डायग्राम की मदद से और यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी होम्योस्टेसिस से और बॉडी टेम्परेचर को देखते हैं अब जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर विच इज द थर्टी सेल्सियस लेकिन हमारी जो बॉडी है वो बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करती है बिटवीन थर्टी सिक्स टू थर्टी जो कि तकरीबन थर्टी से थर्टी तक का बन जाता है तो हमारी बॉडी में जैसे ही टेम्परेचर 36 से लो होगा या 38 से ज्यादा होगा डायट विल बी द इम्बैलेंस फॉर आवर बॉडी यानी हमारी बॉडी जो है उसको समझेगी एक थ्रेड समझेगी और इस केस में जो ही टेम्परेचर 36 से कम या 38 से ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म को ऑन कर देगी सो so, हम स्टार्ट करते हैं जी फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टिमुलस देखते हैं जी विच इज द डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कोल्ड सराउंडिंग तो फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है और एनी चेंज इन द एन्वायरमेंट इज कॉल्ड द स्टूमुलस तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर पहले नॉर्मल था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है वो डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर जो है इन्वायरमेंट जो है वो ठंडी है फॉर एग्जाम्पल कोल्ड सराउंडिंग की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है अगर कम हो रहा है तो इस बात को इस चीज को इस स्टूमुलस को डिटेक्ट कौन करता है स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जाता है जी थर्मोस्टैट जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में सो थर्मोस्टैट सेल्स जो कि हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होंगे वो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और फौरी तौर पर वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू कर देंगे और बॉडी का टेम्परेचर वो राइज करेंगे बाय एक्टिवेटिंग दी वार्मिंग मैकेनिज्म सो एक्टिवेशन ऑफ द वार्मिंग मैकेनिज्म इज द फीडबैक मैकेनिज्म यानी स्टिमुलस के केस में हम हमारी बॉडी ने फीडबैक ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो, वो राइज किया, किया जाए लेकिन हमें ये भी बात जहन में रखनी है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उतना ही राइज किया जाएगा जितनी उसकी नैरो रेंज है मतलब 36 से 38 के दरमियान दरमियान ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज किया जाएगा इससे ज्यादा राइज नहीं किया जाएगा सो so, इसके लिए हम देखते हैं जी कि कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज किया जाता है सो so, सबसे पहले हम देखते हैं जी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जिसमें बेसिकली हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी के स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है तो so, शिवरिंग हम कहते हैं स्लाइटली शेकिंग को और थर्मोजेनेसिस कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ द हीट सो जिसके केस में आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में हीट जनरेट होना शुरू होगी साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं वो हीट हीट लॉस से हमें हमें कैसे जो है वो बचाती हैं यानी हीट लॉस को वो कैसे कम करती हैं तो हम इसको देखते हैं जी हमारी स्किन के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती हैं अब देखिए जितनी ज्यादा हमारी ब्लड कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी सिर्फ स्किन के नीचे तो उतने ही ब्लड की फ्लो कम होगी जितना ब्लड का फ्लो कम होगा उतना ही जो है वो हीट जो है वो कम रेडिएट होगी फ्रॉम आवर स्किन ठीक है जी तो क्या किया जाता है कि हमारी स्किन के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ब्लड की डायरेक्शन को डायवर्ट किया जाए फ्रॉम स्किन टू द डीपर टिश्यू डीपर एरियाज में हमारी बॉडी के जहां पर हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे वाइटल ग्लैंड्स हैं ताकि वहां तक जाने वाले जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लड को नॉर्मल अमाउंट में ही लेके जाएं वहां के जो

बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होता जाएगा इंक्रीज होगा और साथ साथ जो है जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 के दरमियान में आ जाएगा तो so थर्मोस्टैड जो है यानी जो हमारे हाइपोथैलोमस में स्पेशल सेल्स हैं वो बेसिकली अब वार्मिंग मैकेनिज्म को शट ऑफ कर देंगे और ये जो वार्मिंग मैकेनिज्म का प्रोसेस है इसको अब रोक लिया जाएगा क्योंकि अब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अब एक नॉर्मल रेंज में आ चुका है विच इज़ थर्टी टू थर्टी और इसको हम माइनस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं नेक्स्ट हम हम एक और कंडीशन देखते हैं फर्ज करते हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 से भी ऊपर चला जाता है यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है और वो राइज क्यों हो सकता है उसमें हम कह सकते हैं जी कि बेसिकली या तो समर सीजन की वजह से यानी सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है हमारी हॉट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के केस में भी हमें पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है इन एनी केस जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा सेम वही मैकेनिज्म यानी थर्मोस्टेट जो है हमारे हाइपोथैलमस में वो इस बदलते टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और साथ में अब वो एक मैकेनिज्म ऑन कर देंगे बट अब की बार वो कूलिंग मैकेनिज्म ऑन करेंगे क्योंकि अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 से ऊपर चला गया है सो so, अब कूलिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा कि अब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हमने कम करना है और कम इतना करना है कि उसको 36 से 38 की रेंज के अंदर लेकर आना है सो so, इसके लिए जो है कूलिंग मैकेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आती है हमारी बॉडी में सबसे पहले हम देखते हैं जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारी स्किन ब्लड वजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई थी बिनीथ द स्किन ठीक है और वहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो कम किया गया था ताकि हीट कम से कम लॉस हो लेकिन अब कूलिंग मैकेनिज्म में जो प्रोसेस होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा यानी जो हमारी स्किन के नीचे ब्लड कैपलरीज हैं उनको डायलेट किया जाएगा ताकि मोर ब्लड फ्लो हो यानी जितनी ज्यादा खून की गर्दिश होगी उतनी ज्यादा हीट रेडिएट होगी फ्रॉम आवर स्किन सरफेस और जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतनी ही बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा साथ साथ जो है हमारी स्किन में जो ग्लैंड होते हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जितने ज्यादा वो एक्टिवेट होंगे उतनी ज्यादा हमें स्वेटिंग होगी यानी उतना ही ज्यादा हमें पसीना आएगा और जितनी ज्यादा हमें स्वेटिंग होती है सो तो उसी केस में क्या होता है हमें जैसे पता है जब हमारी बॉडी से पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट सो साथ में वो हीट को लेकर भी निकलता है सो so जिसकी वजह से हमारी जो है स्वेट ग्लैंड की वजह से हमारी बॉडी से जो है वो पानी और नमकियात जो है वो बॉडी से निकलेंगे और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू होगा क्योंकि वो हीट को लेकर भी निकलेगा और डेफिनेटली जब पानी हमारी सरफेस से स्किन सरफेस से निकलता है तो वो इवेपोरेशन की फॉर्म में स्किन से जो है वो ए, रिमूव हो जाता है और जो हमें फिर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है जिसे हम इवेपोरेटिव कूलिंग भी कहते हैं सो इन दोनों प्रोसेस की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए तब थर्मोस्टैट जो होगा वो इस कूलिंग मैकेनिज्म को शट ऑफ कर देगा यानी इसको हम माइनस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं यानी जब हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म का प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होगा एक्टिवेशन के लिए हम यूजली प्लस साइन लिखते हैं और अगर जब प्रोसेस शट ऑफ हो रहा होगा तो हम उसको माइनस साइन की के साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि अब हमारी बॉडी का जो टेंपरेचर है वो बैलेंस हो चुका सो so, हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया गया विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथैलेमस यानी हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है जिसके जो कुछ सेल्स हैं वो थर्मोस्टेट का, का काम कर रहे हैं कि जैसे ही एक मक्सूस रेंज से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ या उससे कम होना शुरू हुआ तो जो थर्मोस्टैट सेल्स होंगे वो फौरी तौर पे जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे बाय एक्टिवेटिंग द वार्मिंग मैकेनिज्म और बाय एक्टिवेटिंग द कूलिंग मैकेनिज्म